सफलता बाहर कहीं नहीं है, जो सार है, जो अच्छी चीज है वो आपके अंदर है। असल में कोई बाधा नहीं है, मन की बाधाएं हैं जिसने आपको प्रगति से रोका हुआ है। अगर आप जाग गए तो फिर बस ये समझिए कि दुनिया में सफलता के, सम्मान के रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके लिए। अगर आपको ऊपर उठना है तो वेकअप, वेकअप, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, नींद से जाग जाओ। और अगर आप जाग गए तो फिर बस ये समझिए कि दुनिया में सफलता के, खुशियों के, आनंद के, ऐश्वर्य के, पैसे के, धन के, सम्मान के रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके लिए। सीट्स आर लिमिटेड, कैंडिडेट्स आर टू मेनी। एक झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए 924 लोग जब परीक्षा देते हैं, एक को नौकरी मिलती है 924 में से। वेकअप माय डियर स्टूडेंट, वेकअप। अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, सीकर्स आर टू मेनी। और ये अलार्म क्लॉक जो आपको दिखाई दे रही है, जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाती है। मैं इस अलार्म क्लॉक को लेकर के आपको अलग अलग दुनिया में जीने वाले लोगों के एटीट्यूड बता रहा हूँ। आप अपने ऊपर देखिएगा अंगुली रख करके कि मैं कहाँ हूँ। और ये अलार्म क्लॉक जो कभी लगाते नहीं, जो लगाते हैं लेकिन उठते ही नहीं, बजता रहता है, उठते नहीं, फिर उठते हैं, बंद करके वापस सो जाते हैं, स्नूज करते हैं और फिर अब वास्तव में उठ जाते हैं, दे वेक अप। ये कैटेगरी है छठी कि वो अलार्म क्लॉक बजते ही खड़े हो जाते, एक्शन पे लग जाते। ये बेस्ट है, सबसे अच्छी है। मैं उससे भी अच्छी एक बताता हूँ आपको। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी अलार्म की जरूरत ही नहीं होती है, खुद ही उठते हैं, बिना अलार्म के उठते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ स्टार्ट होते हैं। ये 6 कैटेगरियां हैं। आपको अपने आप को सोचना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन एनी केस माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू वेक अप, रेडी टू गेट अप, रेडी टू वेक अप। और अगर आप उठ गए, इफ यू वेक अप, हियर इज द रिजल्ट। ही वॉज अवेक, वो जगा हुआ था। और जो जगता है 360 में से 360 लाता है। इफ यू वेक अप, यू कैन डू दिस। मैंने जो वेकअप कॉल के पहले बताया था वो चेतावनी थी, अब ये रिजल्ट है। IAS बनना चाहती है हर्षिता, ये तो हमारी हर्षिता है, हमारे इंस्टीट्यूशन की है। राहुल जोशी, राहुल ने रात देखा ना दिन। रात देखा ना दिन का मतलब अलार्म का इंतजार नहीं किया, सेल्फ मोटिवेटेड, आराम से पढ़ता रहा, खुद पढ़ता रहा। इफ यू आर प्रमोटेड, खास बात नहीं है, everybody gets promoted, but if you get selected, आप select होते हैं, then it's a matter of pride, ये गर्व का विषय है। If you want to be selected, तो you have to be among the toppers. Just promotion is not enough. आज अगर अपने आप को संभाल लिया, जग गए, अंदर से जग गए, मन से जग गए, अलर्ट होकर लग गए, तो आपने अभी जो कुछ कर लिया, आगे के रास्ते आपके बहुत अच्छे खुलते जाएंगे। गुड इंस्टीट्यूशन में इजी एडमिशन मिलेगा एंड देन योर लाइफ विल बी स्मूथ, बेटर, अपर, हायर एंड हायर। जीवन का बहुत बड़ा अर्थ मैं बताऊंगा इस पेंसिल से। ये पेंसिल्स हैं, नॉर्मल पेंसिल्स हैं, ऑर्डिनरी पेंसिल्स हैं, ये डिजाइनर पेंसिल्स हैं। ये दिखने में सुंदर है, इनका बाहर का आवरण है, ये शार्पनर है। और जब हम उसका ऊपर का आवरण छीलेंगे, इसको कष्ट देंगे, तब इसके अंदर से जो लीड है वो जब तक नहीं निकलेगी, तब तक इस पेंसिल का कोई यूज नहीं है। चाहे बाहर का आवरण सिंपल हो, चाहे कलरफुल, आकर्षक, सुगंधित हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यूजफुल बनना है, यू हैव टू शार्पन योर सेल्फ। अपना बाहरी आवरण उतारना होगा। व्हाट इज इनसाइड यू, जो आपके अंदर है, जो इस पेंसिल के अंदर है, वो यूजफुल है, उसकी वैल्यू है, उसका गुण है, उसकी कीमत है। बाहरी आवरण की कोई कीमत नहीं है। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज इनसाइड यू इज योर्स। और जैसे जैसे आप लिखते हो,
लिखना जारी रखा, इसको छिला, शार्पन किया, लिखा। थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो फिर घस जाएगी, फिर उसकी लीड खत्म हो जाएगी। देन यू हैव टू रीशार्पन। कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में जीते हैं, बाहरी आवरण, बाहर की चीजें हम पर फिर हावी होने लग जाती है, और जब फिर हावी होने लग जाती, फिर अपने आप को शार्प करना चाहिए। ओनली द पेंसिल डज नॉट मैटर, किसके हाथ में है, किस एटीट्यूड से लिख रहा है, किस भावना से लिख रहा है, कितनी मेहनत से लिख रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजर ऑफ दैट पेंसिल। नो वन इज परफेक्ट, हर इंसान से गलती होती है, एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट, देयर इज एन इरेजर, एक रबड़ होता है अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। यू राइट, यू मेक मिस्टेक्स, यू इरेज, रीराइट, करेक्ट द मिस्टेक्स एंड गो अहेड। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सफलता का मूल मंत्र, द सक्सेस फार्मूला, सिंपल 3 पॉइंट्स, बहुत आसान है। घर से पढ़ के आना, क्लास में ध्यान से पढ़ना, रिवीजन करना, रोज का काम रोज खत्म। आदमी शरीर से नहीं, मन से विकलांग होता है। अगर जीत होती है तो मन से होती है, हार जाता है आदमी तो अपने मन से हारता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जितना ज्यादा सिटिंग पावर, उतना ही अच्छा पढ़ने का मौसम, उतना ही अच्छा रिजल्ट। कुछ ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो जाए कि जहां जाओ आपका हर काम हो जाए। विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है, सुनना नहीं, विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, पेशेंस रखते हैं। विपत्ति आई, टेम्पररी डिफीट आती है। If you want to win the war, don't talk about losing the battle. कम ठोक खेलता है जब नर, कम ठोक के मैं मन ने ये बड़ा संकल्प कर लिया, मन ने कर लिया, ठान लिया कि मैं तो करूंगा, मुझे तो करना है, ऐसी कम ठोक लेता है। कम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के चढ़ते भाव पर, पर्वत भी उखड़ जाते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान जब जोर लगाता है तो पत्थर में से भी पानी आता है। कि जो कुछ भी है आपके अंदर है, सफलता बाहर कहीं नहीं है, जो सार है, जो अच्छी चीज है वो आपके अंदर है। असल में कोई बाधा नहीं है, मन की बाधाएं हैं जिसमें आपको प्रगति से रोका हुआ है। अगर आप प्रगति करने के लिए निकल पड़ो तो आपको कोई बाधा नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच।